चंपक नाम की एक मैगजीन आती थी पहले, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती थी, और उसमें एक जो है वो गेम होता था। उस गेम में कोई लड़का को खड़ा कर दिया जाता था या लड़की को अंदर बॉक्स में, और फिर रास्ता जो है उसको निकालना होता था, पेन से बाहर लिख जाना होता था। बड़ा ही अटपटा होता था, रास्ते बीच में ब्लॉक होते थे, पता चला यहाँ से लिखेंगे ब्लॉक हो गया, फिर दूसरे रास्ते में एंट्री करानी होती थी। CUET की अगर बात करें तो CUET किसी तरीके के एग्जाम है, मतलब हौच पौच स्थिति। सच बताएं तो छात्रों के लिए तैयारी करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपने सिलेबस को वो समझ जाएं, जिस विश्वविद्यालय को वो जाना चाहते हैं उसके बारे में समझ लें। जिस तरीके से नीट होता है, JEE होता है, एक यूनिफॉर्म सिलेबस होता है, उसके आधार पर तैयारी हो जाती है, कहीं पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, उस तरीके की व्यवस्था CUET में नहीं है। CUET में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ा दुविधा का विषय है। इसलिए कई बार तैयारी करने से पहले छात्र हतोत्साहित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें। लेकिन एक चीज़ मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये आने वाला आधे घंटे का वीडियो आप देख लेते हैं, आपके कई जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आप एक सुदृढ़ तैयारी जो है वो आने वाले समय में कर सकते हैं। आपको पता है कि 31 मार्च तक अंतिम डेट है CUET की फॉर्म भरने का, तो आपके पास फॉर्म भरने का भी टाइम है, उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आपने कुछ नहीं भी किया है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, कुछ चीज़ें अभी संयोग से आपके हाथ में है, उसमें सुधार आप कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी में, और आज मैं आप लोगों से मुख्य रूप से डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आप अच्छे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, तो उसकी अंतिम 50 दिनों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लगभग इतने ही दिन हमारे पास बाकी है, और हम किस तरीके से अपनी तैयारी करें कि एक अच्छे विश्वविद्यालय में हमारा दाखिला जो हुआ हो जाए। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैंने कहा ना कि सिलेबस पे हम तब आएंगे ना जब आपको सिलेबस समझा पाएंगे। सिलेबस को समझाने से पहले कुछ बातें आपको बहुत पहले समझनी होगी। जैसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, एक पॉइंट इसमें मैं नहीं लिखा हूँ, दो बॉडी है आपसे कनेक्टेड, ठीक है। एक बॉडी का नाम है NTA, क्या बॉडी का नाम है NTA, जिसको कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और दूसरी जो बॉडी है वो है आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है यूनिवर्सिटीज। अब यहां दुविधा ये है कि NTA जो है वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, यानी एग्जाम जो है कौन कंडक्ट कर रहा है, NTA कर रहा है, जिसका नाम है CUET, ठीक है, CUET 2024 आप जो वह देंगे। लेकिन एडमिशन कौन देगा, तो इस स्कोर के बेसिस पे, यहां जो स्कोर आएगा उस स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देगा यूनिवर्सिटी। जैसे BHU आपको एडमिशन देगा, DU आपको एडमिशन देगा, AU आपको एडमिशन देगा, JNU आपको एडमिशन देगा, AMU आपको एडमिशन देगा, JMI आपको एडमिशन देगा, ये सब जो है वो यूनिवर्सिटीज है। अब दुविधा ये है कि NTA का केवल एग्जाम तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कौन सा एग्जाम देते हैं इससे भी उसको कोई मतलब नहीं है। आप अगर चाहें तो यहां फ्रांसीसी का एग्जाम दे दीजिए, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या उस फ्रांसीसी के बेसिस पे BHU एडमिशन देगा, DU एडमिशन देगा, JNU एडमिशन देगा, या AU एडमिशन देगा या नहीं, ये यूनिवर्सिटी को तय करना है। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, यानी कि अगर कुल मिला जुला के कहें तो NTA का कोई रोल नहीं है, NTA केवल एग्जाम कंडक्ट कराता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस एग्जाम को देते हैं। जैसे NTA ने मल्टीपल एग्जाम्स बना रखा है, पहले क्या होता था, एक कोई कंपटीशन हुआ, एक ही एग्जाम हुआ, एक ही एग्जाम में आपका सारा काम हो गया। लेकिन अब नहीं, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, लैंग्वेज का अलग, हिंदी इंग्लिश का, उसी तरीके से NTA का एग्जाम है। NTA अलग अलग जो है वह एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, और कुछ विश्वविद्यालय एक एग्जाम के थ्रू, कुछ विश्वविद्यालय दो एग्जाम के थ्रू, कुछ विश्वविद्यालय तीन एग्जाम के थ्रू, कुछ विश्वविद्यालय उससे भी ज्यादा एग्जाम्स के थ्रू जो है वह सिलेक्शन लेता है। तो जैसे मान लीजिए DU का क्राइटेरिया कहता है कि 4 सब्जेक्ट चाहिए, तो आपको एक तरह से 4 एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कहने को तो एक एग्जाम है, लेकिन वो 4 एग्जाम है, वो चारों एग्जाम एक ही दिन भी हो सकता है, और चारों एग्जाम 4 अलग अलग दिन में भी हो सकता है। इसको आपको हम आगे समझाएंगे, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप BA करना चाहते हैं तो आपको एक विश्वविद्यालय टारगेट करना होगा। अब इसलिए करना होगा क्योंकि हर विश्वविद्यालय का जो अपना कोर्स है वो अलग है, हर विश्वविद्यालय में BA का कोर्स भी अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सामान्य तौर पर कहीं जाते हैं तो BA हिस्ट्री, कुछ जगह BA पॉलिटिक्स, कुछ जगह BA ज्योग्राफी, कुछ जगह BA इकोनॉमिक्स, और कुछ जगह केवल BA। अब बड़ा दुविधा का विषय है भैया कि हम कैसे, जैसे मान लीजिए मेरा मन है BA ज्योग्राफी करने का,
अब हमको मान लीजिए करना है बीएचयू से बीए ज्योग्राफी, आपको बीए ज्योग्राफी का कोर्स ही नहीं दिखेगा यहां पे, आपको बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस दिखेगा। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि बीए का कोर्स का नामांकन जो है वह किस किस विश्वविद्यालय में क्या है, और दूसरा चीज कि आप बीए करना तो चाहते हैं लेकिन किस विश्वविद्यालय में बीए अवेलेबल है। अगर आप बीए ज्योग्राफी करना चाहते हैं और जेएनयू से करना चाहते हैं तो जेएनयू में अगर वो कोर्स ही नहीं है तो आपके करने चाहने से तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दैट कोर्स इज नॉट अवेलेबल देयर। तो आपको यह तय करना होगा पहले कि आप जिस कोर्स को भी परस्यू करना चाहते हैं क्या उस कोर्स में, क्या उस कोर्स के बारे में उस विश्वविद्यालय में जो है वह अवेलेबिलिटी है, उसके बारे में वहां पे पढ़ाई होती है, यह आपको तय करना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं कि बीए के जो कुछ चर्चित कोर्सेस अलग अलग विश्वविद्यालय में है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, जामिया मिलिया इस्लामिया में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में है, अलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज में है, विश्व भारती में है, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में है, ये सब कुछ ऐसे संस्थान हैं जहां पे आपको बीए के कोर्सेस मिलेंगे। लेकिन इन संस्थानों में भी अलग अलग नाम से कोर्स मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप बीए करना चाहते हैं बीएचयू से, कुछ भी करना चाह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मन कर सकता है कि सर हम बीए हिंदी करना चाहते हैं, आपका मन कर सकता है कि सर हम बीए इंग्लिश ऑनर्स करना चाह सकते हैं, आपका मन कर सकता है कि सर हम बीए हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हम बीए साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बीए सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको यह समझना होगा कि बीएचयू में ऑनर्स पहले डिसाइड नहीं होता है, ऑनर्स जो होगा आपका वो बाद में डिसाइड होगा। आपको पहले जो फॉर्म भरते वक्त ध्यान देना है कि दो ही उसमें ऑप्शन है, या तो आप बीएचयू बीए ऑनर्स आर्ट्स चुनिए या आर्ट्स एंड सोशल दोनों चुनिए। अब चूंकि एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि आप आर्ट्स सोशल दोनों चूज करिए, बेस्ट है, दोनों को चूज करने से आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे और आपका उसमें कोई पैसा एक्स्ट्रा लगना नहीं है। इसलिए बीएचयू का जो करिकुलम है वो कहता है बीएचयू बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज जो है, ठीक है, तो ये चूज करना पड़ेगा हमको। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाते हैं, अब यहां अलग खेल हो जाता है, यहां बीए आर्ट्स एंड सोशल नाम का कोई प्रोग्राम नहीं दिखता है, अलग अलग सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, जैसे बीएचयू बीए ऑनर्स ज्योग्राफी चूज करना होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बीए ऑनर्स हिस्ट्री चूज करना होगा। तो आपको अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट पहले ही चूज कर लेना है कि आप किस सब्जेक्ट में जो है वह सिलेक्शन लेना चाहते हैं। इसी तरीके से हम इलाहाबाद में जाएंगे तो वहां आपको एक साथ दिखेगा स्लैश कर करके बीए इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री, यानी एक ही सिलेक्शन के थ्रू आपको अलग अलग सब्जेक्ट जो हुआ मिल जाएंगे। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहां भी सब्जेक्ट वाइज दिखता है, बीए ऑनर्स चाइनीज, बीए ऑनर्स फ्रेंच, बीए ऑनर्स जर्मन, इस तरीके के कोर्सेस आपको दिखाई देंगे। तो आपको जिस कोर्स में भी चाहिए वो सारे कोर्सेस फॉर्म में सेलेक्ट करने होंगे और नंबर ऑफ कोर्सेस से कोई लेना देना नहीं, आप जितना कोर्स चाहें उतना सेलेक्ट करिए, उसमें कोई रोक टोक जो हुआ नहीं है। विश्वविद्यालय चुनने में आप सारे विश्वविद्यालय को चुन लीजिए, सारे कोर्सेज को चुन लीजिए, एनटीए रोकता नहीं है, एनटीए किसी चीज में आपको नहीं रोकता है, एनटीए बस एक चीज में रोकेगा कि नंबर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 6 से ज्यादा आप नहीं दे पाएंगे, अभी हम उसको भी समझाएंगे। ये अगर आपको समझ में आ गई होगी तो ये आपका है कि अलग अलग कोर्स का नाम अलग अलग है, यानी अगर आपके मन में है कि सर मुझे जो है बीएचयू से बीए ज्योग्राफी करना है तो बीए सोशल साइंस और आर्ट्स चुन कर लीजिए। इसी तरीके से आपके मन में चल रहा है सर हमको बीएचयू से डीयू से हमको बीए करना है तो सब सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, कोई रोक तो है नहीं उस पर, आप हिस्ट्री चूज कर लीजिए, पॉलिटी ठीक है बाद में मन करेगा हमको नहीं करने का है पॉलिटी, हमको हिस्ट्री करने का है, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन छोड़ देंगे अभी, लेकिन उसको चूज जो है वह कर लीजिएगा। अब इतना अगर आप समझ गए तब हमारा आता है एनटीए का एग्जाम पैटर्न। ये तो कोर्स का नाम हम आपको केवल समझाएं, अब आता है एनटीए का एग्जाम पैटर्न क्या है। सर अभी आप पहले बात कर रहे थे एक एनटीए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, एनटीए 3 सेक्शन में मात्र अपने एग्जाम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक सेक्शन को कहता है कि हम लैंग्वेज सेक्शन का एग्जाम लेते हैं सेक्शन 1, एक को कहता है डोमेन सब्जेक्ट जिसमें 27 सब्जेक्ट का वो एग्जाम ले रहा है सेक्शन 2, और एक कह रहा है जनरल सेक्शन टेस्ट मेरा 3 में है। यानी अगर कुल मिला जुला के कहें तो एक साथ कई एग्जाम्स एनटीए जो है लगभग 40 प्लस एग्जाम एनटीए जो है वह कंडक्ट कर रहा है। 27 के आसपास तो डोमेन हो गया तो 27 एग्जाम ये हो गया, एक एग्जाम आपका जो है ये हो गया 28। अब लैंग्वेज में हम चूंकि यहाँ पे एक ही लिख रहे हैं लेकिन अलग अलग रीजनल जो है अब जाएंगे तो रीजनल लैंग्वेजेज भी जैसे बंगाली असमीज ये सारी ढेर सारी लैंग्वेजेज हैं लेकिन हम मुख्य रूप से हिंदी और इंग्लिश बेल्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दो ही लैंग्वेज चूज करते हैं। तो हमारे पास टोटल जो एग्जाम हो गया यानी कि 27, 2, 29, 31 जो है लगभग 30 एग्जाम हो गया। अब विश्वविद्यालय का एलिजिबिलिटी हमको समझना होगा। एनटीए क्या कर रहा है, 3 सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया, लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन, जनरल टेस्ट सेक्शन। ये अगर आप समझ गए तब आपको चलना होगा यूनिवर्सिटी की ओर।
यूनिवर्सिटी क्या कहता है, उनके सिलेबस को क्या कहता है? यूनिवर्सिटी का सिलेबस कहता है कि अगर बीएचयू से बीए आर्ट्स या बीए सोशल साइंस कोई प्रोग्राम करना है तो आपको सेक्शन ए से एक लैंग्वेज चूज करना होगा, उसमें भी बाध्यता कर दिया वो हिंदी या इंग्लिश में ही कोई चूज करना होगा, और प्लस सेक्शन थ्री जो है देना होगा जो जनरल टेस्ट का है। यानी इसके हिसाब से अगर हम समझे तो बीएचयू का जो एग्जाम पैटर्न निकल के आता है वो केवल इतना निकल के आता है कि आप जो है सेक्शन ए से या तो हिंदी या इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी या इंग्लिश ले लीजिए, या आप या नहीं, और जो है प्लस आपको जो है जनरल टेस्ट देना होगा। यानी कि यहां केवल जो हमने आपको टेस्ट बताया कि ये 27 टेस्ट यहां पे है, दो टेस्ट यहां पे है मुख्य रूप से, एक टेस्ट यहां पे है, तो इस 30 टेस्ट में केवल दो टेस्ट आपको देना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, प्लस जनरल टेस्ट कंपलसरी, ये तो सबको देना ही देना है। यहां चाहे तो आप दोनों भी दे सकते हैं, चाहे तो एक भी दे सकते हैं, जिसका बेस्ट स्कोर होगा ऐड हो जाएगा। यानी कि जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज से बीएचयू में सिलेक्शन होगा। अब ये तो मान लीजिए कॉमन हुआ, लेकिन क्या इसी आधार पर हर विश्वविद्यालय में हो जाएगा? अब इसी से जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज से ही आपको बीए हिंदी मिलेगा, बीए इंग्लिश मिलेगा, बीए फ्रेंच मिलेगा, बीए जर्मन मिलेगा, बीए हिस्ट्री मिलेगा, बीए पॉलिटी मिलेगा। यानी आपके मार्क्स के बेसिस पे बीएचयू आपको प्रायोरिटाइज करेगा कि आपको कौन सा ऑनर्स हमको देना है। ये खैर काउंसलिंग की प्रोसेस है, लेकिन बीएचयू से बीए करना है तो केवल दो एग्जाम आपको देना होता है, एक जनरल टेस्ट का और एक लैंग्वेज सेक्शन से जो है। इसी तरीके से अगर हम आगे चले डीयू, तो डीयू अपना रूल बदल दिया, डीयू का भी अपना अलग गेम है। डीयू क्या कह रहा है? डीयू की पहले तो एक पॉलिसी है, डीयू कहता है आपको कोई कोर्स करना है दिल्ली विश्वविद्यालय से, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि 12th में आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ा है। यानी 12th बोर्ड में अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप जो है किसी और कोर्स में एडमिशन, ज्यादातर कोर्सेस में जो है एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको करना, समझना मेरी इस बात को, हमको करना है बीए हिस्ट्री ऑनर्स जो है डीयू से, लेकिन हमने 12th में जो है वो पढ़ लिया है पीसीएम। 12th में क्या पढ़ा है? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो डीयू कहता है आपको यही एग्जाम देना होगा सीयूईटी में भी, हम एडमिशन उस आधार पर लेंगे। बीएचयू नहीं कहा, डोमेन टच ही नहीं किया बीएचयू का, हमको डोमेन से कोई लेना देना नहीं है, आप 12th किस सब्जेक्ट से करके आ रहे हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जाम लेंगे, एनटीए ले रहा है, आप उसको पार्टिसिपेट करिए, उसके स्कोर के आधार पर हम एडमिशन देंगे। और डीयू क्या कहा? डीयू कहा कि 12th में जो दिए हो वही एनटीए का एग्जाम देना है। यानी कि अगर आप पीसीएम से पढ़े हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देना होगा, अगर आप आर्ट्स साइड से पढ़े हैं भले हिस्ट्री में एडमिशन लेना हो, और अगर आपने मान लीजिए आर्ट्स साइड से पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपको इसका एग्जाम देना होगा। डीयू कहता है तीन डोमेन देना होगा और प्लस एक लैंग्वेज देना होगा, आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, यहां भी हिंदी या इंग्लिश में चूज कर लीजिए, या अलग अलग लैंग्वेजेस को भी वो अलाउ करता है जो है। तो बहरहाल हम जो है, अब आपका 12th में क्या है इस पर डिपेंड करेगा, और जनरल टेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, यद्यपि कुछ कोर्सेस में जनरल टेस्ट अप्लीकेबल हैं, लेकिन जो मेन कोर्सेस हैं चाहे हिस्ट्री हो पॉलिटी हो, वहाँ पे जनरल टेस्ट जो है वह अप्लीकेबल नहीं है। अब ये आपका डीयू का एग्जाम पैटर्न आ गया। मैं समझ रहा हूँ करना बीए ही है लेकिन अलग है, बीए हिस्ट्री के लिए हमको ये करना पड़ सकता है, अब इसका एग्जाम देना होगा, इसी तरह बीए पॉलिटी के लिए भी यही फॉलो करना होगा, बीए ज्योग्राफी के लिए भी यही फॉलो करना होगा, और वहाँ तो और अलग अलग कॉलेजेज हैं। अब जैसे मान लीजिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना चाहेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहता है कि सेक्शन एक से कम एक लैंग्वेज चूज करिए, हिंदी इंग्लिश में कंपलसरी कर दिया, और इसने कहा सेक्शन दो जो डोमेन है उसमें आपका जो बोर्ड है, मैंने जैसे जो बीए करना चाहते हैं तो उनको बीए के हिसाब से चूज करना होगा, आठ सब्जेक्ट में से कोई एक जो है, जैसे या तो पॉलिटी चूज करिए, या तो फिलोसफी चूज करिए, या तो साइकोलॉजी चूज करिए, या तो जो है आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिंदी चूज कर, तो इस तरीके से इसके जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के आधार पर कॉम्बिनेशन बनाना होगा। और फिर कह रहा है जनरल टेस्ट कंपलसरी है सभी के लिए, यानी कि अगर एयू में एडमिशन आपको लेना है तो एयू का जो एग्जाम पैटर्न बन के आएगा वो अलग आ जाएगा। ये कह रहा है कि लैंग्वेज लेना है तो लैंग्वेज तो हम देंगे ही, फिर जनरल टेस्ट भी देना है तो जनरल टेस्ट भी हम देंगे, प्लस दो डोमेन देंगे, दो डोमेन, और वो भी इसके हिसाब से। यानी अगर आपने 12th में पीसीएम पढ़ा है और आपको लग रहा है डीयू वाला एग्जाम पैटर्न से यहाँ एडमिशन होगा तो नहीं होगा, इसके हिसाब से देना होगा, या तो ज्योग्राफी दीजिए, या तो मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री दीजिए, या तो आप हिस्ट्री दीजिए, डिफेंस स्टडीज दीजिए, मतलब इसके हिसाब से आपको एग्जाम देना होगा एयू जो सब्जेक्ट को कह रहा है। तो ये एयू का एग्जाम पैटर्न हो गया। फिर इसी तरीके से अगर हम जेएमआई जानते हैं तो जेएमआई कह रहा है केवल एक लैंग्वेज दो, हिंदी ऑनर्स करना है
केवल हिंदी का एग्जाम दो, हम हिंदी का आधार पर लेंगे, हमको जनरल टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जाते हैं तो ये कह रहे हैं केवल जनरल टेस्ट दो, हमको लैंग्वेज का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम केवल जनरल टेस्ट के आधार पर ही एडमिशन जो हुआ ले लेंगे। इसी तरीके से अलग अलग विश्वविद्यालयों को अलग अलग सिलेबस है, ये समझना होगा। यानी कि ये क्लियर हो गया कि हम एक साथ हर विश्वविद्यालय को टारगेट नहीं कर सकते हैं, कितना भी बड़े तोपखान है हमारे लिए एक लिमिटेशन है। और यहाँ पे वर्क करेगा एनटीए का लिमिटेशन। एनटीए का लिमिटेशन क्या है? एनटीए कहता है कि 6 टेस्ट से ज़्यादा हम नहीं देने देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टेस्ट आपको देना है, पहले 10 था, अब उसको वो कम करके 6 कर दिया, कहा 6 टेस्ट से ज़्यादा नहीं देना देने देंगे। अब जैसे मान लो हम हैं बीए के स्टूडेंट जो है, और हमको टारगेट करना है 2-3 विश्वविद्यालय, जैसे हमको बीएचयू टारगेट करना है, बीएचयू के अलावा डीयू भी टारगेट करना है, डीयू के अलावा हमको एयू भी टारगेट करना है, एयू के अलावा हमको जीएमआई भी टारगेट करना है, जीएमआई के अलावा हमको जेएनयू भी टारगेट करना है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब आप कौन सा विश्वविद्यालय टारगेट करना चाहते हैं तो आपको तय करना है। हम मान लीजिए इतने विश्वविद्यालय को टारगेट करना चाहते हैं, हमको अपना सिलेबस डिजाइन करना होगा खुद से, एनटीए इसमें कोई मदद नहीं कर रहा है। एनटीए तो आप कहिए कि हम जो है जर्मन का एग्जाम देना चाहते हैं, दे दीजिए ना, 200 ले आइए, पूछेगा भी नहीं आपको वो, समझ गए? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का होता है ना, वो स्थिति हो जाएगी। 200 में 200 लाके घूमोगे, कोई एडमिशन देने के लिए तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि उस विश्वविद्यालय की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना होगा। बीएचयू ने क्या कहा था? बीएचयू ने कहा था कि जनरल टेस्ट दीजिए प्लस एक लैंग्वेज दे दीजिए। चलो हम मान लीजिए एक लैंग्वेज जो है, यहाँ हिंदी हम चूज कर ले रहे हैं, हिंदी भी चूज करने के पहले रीजन है, आगे फंसाएंगे आपको इसमें। डीयू ने क्या कहा? डीयू को जनरल टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसने कहा एक लैंग्वेज दे दीजिए, तो एक लैंग्वेज हम यहाँ ले ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे 12th बोर्ड के 3 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, 12th बोर्ड के जो है आपके जो 3 सब्जेक्ट है डोमेन वाले वो लेने होंगे। एयू ने क्या कहा? हमको लैंग्वेज भी चाहिए, जनरल टेस्ट भी चाहिए, प्लस 2 जो है डोमेन हमारे हिसाब से चाहिए, माने अगर बीएससी करना चाहते हो तो उस हिसाब का डोमेन, और बीए करना चाहते हो तो उस हिसाब का। हम बीए करना चाहते हैं तो हमको 12th के बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, ये 12th बोर्ड वाला ही होगा। और जेएमआई करना चाहते हैं, जैसे हिंदी करना चाहते हैं, यहाँ सारे ऑनर्स अवेलेबल नहीं है, तो केवल लैंग्वेज देना है हिंदी हमको जो है। और जेएनयू करना चाहते थे, ये भी कह रहा है कि आपको लैंग्वेज देना है लेकिन कंपलसरी कर दिया इंग्लिश ही देना है, हिंदी वाला घूम लेंगे नहीं, और प्लस जनरल टेस्ट तो देना ही देना है। यानी कि अब अगर हम इसने हिसाब से सिलेबस डिजाइन करें कितना एग्जाम देना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं एक बच्चा हूँ, मेरा पीसीएम बैकग्राउंड है, ठीक है, तो हमको सबसे पहले बीएचयू मेरा पहला प्रायोरिटी है, तो जनरल टेस्ट देना है, और हम हिंदी बेल्ट के हैं तो हम हिंदी देना चाहते हैं, तो जनरल टेस्ट और हिंदी, ये हमारा 2 एग्जाम कहलाएगा। कितना एग्जाम कहलाएगा बच्चा? 2 एग्जाम कहलाएगा। अब डीयू में आ गए, अब डीयू हमने आपको बताया पीसीएम लेके रखा है, तो हमको पीसीएम भी चूज करना होगा, फिजिक्स चूज करना होगा, केमिस्ट्री चूज करना होगा, अब मैथ चूज करना होगा, इसके अलावा एक लैंग्वेज चूज करना होगा, तो ये हम यहाँ पे चूज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसी लैंग्वेज से हमारा काम यहाँ हो जाएगा। अलग अलग एग्जाम नहीं होगा विश्वविद्यालय का, एक ही एग्जाम से वो हर जगह स्कोर वर्क करेगा। यानी हम बीएचयू के लिए ऑलरेडी जनरल टेस्ट लैंग्वेज का एग्जाम दिए हैं, तो हमको यहाँ पे फिर से हिंदी भरने की रिक्वायरमेंट जो है नहीं है। यानी हमारा टोटल हो गया 1, 2, 3, 5 पेपर हमने जो वो चूज कर लिया। अब हमारा क्या है? एयू है, एयू कह रहा है 2 डोमेन चूज करना है हमारे वाला, तब तो हमारे पास 2 डोमेन का स्पेस ही नहीं है, हम जनरल टेस्ट लैंग्वेज लिए है, ये वाला यहाँ काम ही नहीं करेगा, बीए करना है तो। यानी हमको छोड़ना होगा एक विश्वविद्यालय, तो क्या हम पीसीएम मेरा मजबूत है ये हम देखेंगे, क्योंकि हम तो उसको छोड़ के जाना चाह रहे थे, हम तो मान के जान रहे हैं, मान के ही चल रहे हैं, नहीं मजबूत है, तो हम क्या करेंगे? डीयू को साइड करेंगे, क्योंकि डीयू ही सबसे अटपटा रूल बनाए हुए हैं, और पीसीएम को कम समय में कंप्लीट करना भी पॉसिबल नहीं है, तो यानी हम अपना डीयू वाला जो मुख्य कोर्स है उसको छोड़ेंगे। यद्यपि कई कोर्सेस में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से भी एडमिशन होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन डीयू का हम मुख्य कोर्स छोड़ देंगे, हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। अब हम सिलेबस डिजाइन करेंगे, ये हमको मार ले गया, ये पीसीएम की बेवफाई जो हमको डुबा ले गया, डीयू का सपना हमारा तोड़ दिया जो पहले ही, और नहीं तो डीयू से ही करना है तो पीसीएम पर हो, बाकी छोड़ दो जो है, तो कुछ ना कुछ तो आपको ध्यान देना होगा। चलो हम यही चूज किए, तो जनरल टेस्ट कह रहा है तो हम दे ही रहे हैं, लैंग्वेज कह रहा है हम दे ही रहे हैं, प्लस 2 डोमेन कह रहा है तो कोई 2 डोमेन चूज कर लेते हैं, हिस्ट्री चूज कर ले रहे हैं और पॉलिटी चूज कर ले रहे हैं, मान लो हम जो है 2 डोमेन, तो यानी 1 टेस्ट 2 टेस्ट 4 टेस्ट हम दे दिए। अब हमको जेएमआई टारगेट करना है तो लैंग्वेज चूज किए, हिंदी मेरा काम ऑटोमेटिक हो गया, उसी से हो जाएगा। जेएनयू कह रहा है जनरल टेस्ट पर इंग्लिश चाहिए, तो जनरल टेस्ट तो दे ही रहे थे लेकिन लैंग्वेज में हिंदी दे रहे थे, तो हम अगर चाहें जेएनयू में एडमिशन लेना तो इंग्लिश का एक पेपर बढ़ा देंगे, तो यहाँ इंग्लिश बढ़ा देंगे, तो यानी हम टोटल 5 सब्जेक्ट चूज कर लिए, अब 2 ये 2 ये 4, 1 इंग्लिश बढ़ा दिए, 5 जो हो गया। अगर मान लो बीएचयू में एडमिशन लेना है, इंग्लिश में बेटर मार्क्स आ गया तो ये वाला ऐड हो जाएगा,
हालांकि इतना आसान नहीं है, दो दो पेपर कंप्लीट करना जो है, ठीक है, बस हम मानने के लिए बोल रहे हैं आपको, आप कितना मान सकते हैं आपको खुद ही पता है, हमसे ज़्यादा जो है। तो पांच पेपर हम दे दिए, छह पेपर का स्कोप रहता है, तो एक आध पेपर और कहीं बढ़ाना चाहे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मेरा जो सिलेबस निकल के आया अब साहब, हम अगर क्या करेंगे कि लैंग्वेज में हिंदी स्किप अगर कर सकते तो स्किप कर लेंगे, जनरल टेस्ट ले लेंगे, इंग्लिश ले लेंगे और हिस्ट्री पॉलिटी ले लेंगे, चार सब्जेक्ट से हम बीएचयू को टारगेट किए, बीएचयू के अलावा एयू को टारगेट किए, जेएमआई को टारगेट किए, जेएनयू को टारगेट किए, इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालयों को, जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को जनरल टेस्ट के माध्यम से टारगेट कर लिए जो है। यानी कि यह है एग्जाम एल्गोरिथम, ये अगर तुम समझ गए तब तुमको जो है कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। अब यही चीज़ हम समझा रहे थे, सबसे पहले विश्वविद्यालय को टारगेट करिए, तो हम टारगेट आपको करवा दिए, पहले से नहीं आप कर सकते हैं कि हम ये टेस्ट दे के जो है सिलेक्शन ले लेंगे, विश्वविद्यालय का सिलेबस पता होना चाहिए, फिर आपको सभी विषयों का चुनाव करेंगे, तो हमने चुनाव भी करा लिया, आप अपना सिलेबस खुद डिजाइन करिए, और जब भी ये काम करिए तो पेन एंड पेपर पे लिख के करिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर उसके हिसाब से अब पढ़ाई शुरू करेंगे। मैंने इतना जब तुम समझ जाओगे कि सिलेबस क्या तब ना पढ़ोगे, अभी तक हमने आपको बताया सिलेबस क्या है, समझ में आया सिलेबस क्या है। अब जब सिलेबस समझ गए तो तीन सेक्शन आपको पता है एनटीए का एग्जाम पैटर्न, जिसमें लैंग्वेज 12th में जो है वो बात करता है डोमेन में, डोमेन में केवल 12th बोर्ड की बात करता है कि 12th बोर्ड में आपने 11th का नहीं पूछता है, और जनरल टेस्ट के सिलेबस में तीन सेक्शन है, जीके, मैथ्स और रीजनिंग, अलग अलग से इस पे वीडियो भी आपको दिलवा देते हैं, जिससे रीजनिंग वाला जा भी जा चुका है वीडियो पहले से ही, तो आप इसके सिलेबस को समझेंगे, और फिर जो है आपके पास दो ऑप्शन होगा तैयारी शुरू करने का, या तो आप फ्री ऑनलाइन सोर्सेस, या आपने पहले जो बोर्ड की तैयारी के दौरान पढ़ा है उसके थ्रू अपनी तैयारी को पूरी कर लीजिए, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कई बार ये होता है कि सर हम सही समय पे तैयारी शुरू तो नहीं किए और ना ही बोर्ड में ढंग से पढ़ाई किए हैं, तो हमको क्या कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहिए, ये कंप्लीट निर्णय आप लेंगे। कोई भी हमारे जैसा अगर कोई कोचिंग इंडस्ट्री का व्यक्ति होगा तो यही बोलेगा आपको, हाँ कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको ये तो नहीं सजेस्ट करेगा ना कि नहीं तुम कर सकते हो, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप तैयारी कर सकते हैं या नहीं। बैठ के सोचिए 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा एक घंटा, अब सोचने में दो साल मत निकाल देना, पता चला एग्जाम ही हो गया जो है, और फिर एक निर्णय पे पहुंचो कि हाँ हम ये करेंगे, ये सिलेबस मेरा है सर, हमको पता है, हम इस काम को जो है वहां कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पेड कोर्सेस को आप चूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये कंप्लीट आपका डिसीजन होगा। चाहे तो आप बड़े भाई बहन से इस पर जो है अपनी राय ले लीजिए। और फ्री कोर्सेज भी आपके कई अवेलेबल होते हैं, जैसे मालवीय एकेडमी पे खुद यूट्यूब की फ्री क्लासेस चलती हैं, लेकिन हाँ ये तो है कि जितना पेड कोर्स व्यवस्थित होगा यूट्यूब व्यवस्थित नहीं हो सकता है। ऐप पे चीज़ें अरेंज फॉर्म में होती हैं, यूट्यूब पे भी हम लोगों का सिलेबस अरेंज फॉर्म में चलता है, लेकिन आगे चल के फिर आपको दिक्कत आनी जो हुआ शुरू हो जाती है, और कई चीज़ें यूट्यूब पर नहीं हो सकती, जैसे टेस्ट वगैरह का एल्गोरिथम जो है वो डेवलप नहीं किया जा सकता है, वहाँ ऑप्शंस नहीं है। तो पेड कोर्स में दो हमारे पास कोर्स है, एक है ऑनलाइन कोर्स, आप अगर देश के अलग अलग हिस्सों से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं, और दूसरा हमारा है ऑफलाइन कोर्स, तो आप उसके थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस हमारी केवल वाराणसी से भी संचालित होती हैं, और इसकी एक नई बैच जो है वह 2 अप्रैल से, चूंकि अलग अलग बच्चों का बोर्ड एग्जाम था, फाइनली अंतिम बैच हम ऑफलाइन भी लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन हमारी ऑलरेडी बैचेज जो वह चल रही हैं। और 50 दिनों की स्ट्रेटजी अब कैसे बनानी है, तो सर 50 दिनों की स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे हमको अपना सिलेबस तय कर लेना है। जैसे मान लीजिए हम जो है अपना सिलेबस तय किए, सपोज करो कि अब मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, एक बार हम सोशल बैकग्राउंड के साइंस वाले बैकग्राउंड से लिए, एक बार अब थोड़ा सा जो है पानी पी लूं, आर्ट्स बैकग्राउंड से करते हैं, सपोज करिए मेरा जो है हिस्ट्री था, पॉलिटी था, ज्योग्राफी था 12th में, हम इसलिए ऐसा चूज किए क्योंकि हम डीओ को भी टारगेट करना चाह रहे हैं, तो बीएचयू के लिए हमको जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज देना है, ये है यहाँ पर भी लैंग्वेज देना है तो लैंग्वेज दे देंगे, यानी कि 12th डोमेन में चूज करना हमको तो ये वाला चूज करना है, तो हम हिस्ट्री भी चूज कर लिए, पॉलिटी भी चूज कर लिए और ज्योग्राफी भी चूज कर लिए, यानी 5 टेस्ट हमने चूज कर लिया। लैंग्वेज में हम हिंदी मान लो चूज किए, तो हम इसके थ्रू बीएचयू को भी टारगेट कर ले गए, डीयू को भी टारगेट कर ले गए, एयू को भी टारगेट कर ले गए, जेएमआई को भी टारगेट कर ले गए, उसके बाद
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी टारगेट कर ले गए। तो ये जो है हमने इतने विश्वविद्यालयों इतने सिलेबस को तैयार किया, मतलब जनरल टेस्ट का आप सिलेबस समझना होगा क्या है, फिर लैंग्वेज में आप हमको कितने लेक्चर्स करने हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए जो हम लोग जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, आप भी चाहें तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले लेक्चर देते हैं किसी भी टॉपिक से, जैसे मान लीजिए हमारा रीजनिंग का टॉपिक है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, तो हम आपको पहले कोडिंग डिकोडिंग पे लेक्चर देंगे, उससे प्रिंटेबल नोट्स भी आपको दे देंगे, फिर उस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे गए हैं हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं, और उसके अलावा फिर हम आपका एक चैप्टर वाइज टेस्ट भी अपलोड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक पहला है जनरल टेस्ट में जीके, जीके में हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो पहले उसका लेक्चर देंगे फिर उसका प्रिंटेबल नोट्स दे देंगे, आप चाहे तो अपने घर से प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट करके तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत कॉस्ट जो है वो जाएगी और हम सेंड नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। दूसरी एमसीक्यू प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन उसी लेक्चर के दौरान भी कराते हैं और फिर आपका अलग से एक चैप्टर टेस्ट उसका अपलोड कर देते हैं ताकि आप अपने टॉपिक को तैयार कर सकें। ये आपका हम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। आप अगर फ्री करना चाहते हैं तो पहले कंटेंट अपना देख लीजिए क्या कंटेंट पढ़ना है, नोट्स तो फिर बनाने का आपको नीड प्रिंटेबल है ही नहीं जो है, क्योंकि आपने कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है। फिर एमसीक्यू जो है अलग अलग जगहों से लगाइए, जैसे मालवीय अकेडमी यूट्यूब से लगाइए या और भी कई जगह है जहां से आपकी इच्छा हो वहां से एमसीक्यू लगाइए, और फिर चैप्टर वाइज टेस्ट तो जरूर दीजिए, चाहे वो पेड हो फ्री हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो जान है तैयारी की, ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दीजिए, फुल टेस्ट तो आगे देना है ना, पहले चैप्टर वाइज टेस्ट आपको तैयार कर लेना है, इस स्ट्रेटजी के थ्रू तैयार करेंगे। हम लोग जो 50 दिन की स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं उस स्ट्रेटजी में देखो क्या कर रहे हैं, कई बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्स में होंगे वो आपको बताएंगे। जैसे हमारी जो ऑनलाइन बैच चल रही है वो 12 मार्च से चल रही है ऑलरेडी, 11 मार्च को हमारा ओरिएंटेशन सेशन था और 12 मार्च से हमारी क्लासेस चल रही है। थोड़ा सा मैं डाउन कर दे रहा हूँ ब्राइटनेस को ताकि आपको जो है वो क्लियर दिखे, ठीक ना, जैसे देखिए अब आपको दिखेगा, यद्यपि मैं काला हो जाऊंगा लेकिन आपको दिखेगा। जैसे 12 मार्च को हमने जो क्लास लिया हम पहले से ही बच्चों को ये टेंटेटिव प्लानर दे चुके हैं जिसके अनुसार हम उनके सिलेबस को एकदम वेल डिफाइंड तरीके से 5 मई को जो है वो पूरा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो 7-8-9 चला जाएगा, मैक्सिमम यही होगा ना, लेकिन ये एकदम वेल प्लान्ड है, इसमें हर चीज जो है वो प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट हो रही है। यानी कि 15 से आपका एग्जाम है, 15 से इसका मतलब ये नहीं कि सब एग्जाम 15 को ही हो जाएगा, हो सकता कोई 20 को भी हो, किसी का 22 को भी हो, किसी का 23 को भी हो, जब तक फाइनल डेट नहीं आ जाता, लेकिन हम तो 15 ही मान के चलेंगे। तो 5 मई तक हम आपके सिलेबस को जो है वो पूरा कर दे रहे हैं, पूरा एकदम वेल डिफाइंड वे में। वो भी जैसे 12 की क्लास हमारी नंबर सिस्टम की चली, जीके जीके में हिस्ट्री पार्ट 1 का क्लास लिया, हिंदी में हमने अपठित गद्यांश का लिया, इंग्लिश में हमने क्लाउज का क्लास लिया है, डोमेन ज्योग्राफी में हमने जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी क्लास लिया है, डोमेन इकोनॉमिक्स में हमने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का क्लास लिया है, इसी तरह फिर डेट 2 में गए तो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लिए, हिस्ट्री का पार्ट 2 लिए, वर्ण विचार और भाषा का क्लास हुआ। तो पहले क्लास देंगे, क्लास के बाद हम आपको उसका नोट्स दे देते हैं, जो पढ़ाते वक्त नोट्स होता है वो भी देते हैं, और जो प्रिंटेबल हमने कहा प्रिंटेबल नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है हमारा 50 दिनों का प्लानर है जिसमें हम सारे हॉलीडे वगैरह को भी इंक्लूड, जैसे अभी हॉलीडे देखो बीता जो है इधर, होली का हॉलीडे बीत गया जो है, तो ये वाला हमारा जो है वो प्लानर है, और मंडे टू सैटरडे का प्लानर है, संडे इसमें हमारी वीकली ऑफ है। और ऑफलाइन क्लासेस में तो कई बार जब सिलेबस चूंकि ऑफलाइन में पीटने का भी काम होता है, हम साफ साफ बता दें आपको, ऑफलाइन के बच्चे अगर कोई वीडियो देखेंगे तो आपको बता देंगे वो कि ऑफलाइन में जो हमारी पीए वाली कोर्स है उसमें भरपूर पिटाई का प्रावधान है। तो मान लीजिए आपके मम्मी पापा इस विश्वास पे यहाँ भेज रहे हैं कि हाँ मालवीय अकेडमी में जाने से बच्चा हमारा कुछ बेहतर करेगा, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और आप नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ आके जो है बैल की तरह टहलेंगे, घास जो है ढूंढेंगे चरने के लिए, फील्ड की तलाश में रहेंगे कि किस फील्ड में जाकर बैठ जाएं, तो हम तो मान लीजिए थोड़ा बहुत बल प्रयोग आपके ऊपर करेंगे, ठीक ना। तो ये आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, हम चाहे तो इसका प्लानर भी आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इस प्लानर को देखिए। और हाँ, जो मैंने तरीका बताया, कोई भी पहले टॉपिक तैयार करिए, जैसे मान लीजिए अगर पेड कोर्स में नहीं है तो ये बेस्ट वे होता है, पहले टॉपिक आप लिख लीजिए सारा, जैसे हमने इसमें लिख ही दिया है टॉपिक जो है, फिर उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उस टॉपिक से उसको बनाइए क्या वो आपसे बन रहा है, और फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, इतना करिए। लेकिन हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा ऐसा होगा जो केवल बीएचयू पढ़ना होगा तो केवल जेंडर टेस्ट लैंग्वेज पढ़ो ना, सारा सब्जेक्ट पे फोकस करने की नीड नहीं है, मैक्सिमम टाइम वहां दीजिए क्योंकि कट ऑफ आ जाएगी वहां की जो है।
और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए हम डीयू को टारगेट लिए हैं तो हम केवल जो है वो डोमेन पढ़ेंगे, डीयू बीएचयू दोनों टारगेट लिए तो हमको जनरल टेस्ट भी करना होगा। तो ये आपका इंडिविजुअल सिलेबस बनेगा, हर व्यक्ति का सिलेबस हर व्यक्ति से चेंज हो जाएगा जो है। ये एनटीए है, ये है सीयूईटी। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप सोचिए कि आधी रेस जो है वह जीत चुके हैं, और इसी बात को नहीं समझे तो फिर बड़ा मुश्किल है आपके लिए। 50 दिन नहीं 500 दिन भी दे देंगे तो आप उस सिलेबस को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तैयारी तो करना बहुत दूर की बात है। मैंने कोशिश किया बहुत ही सरलतम शब्दों में आपको समझा पाऊँ। 50 दिनों की स्ट्रेटेजी, ज़्यादा फोकस इस बात में था कि आप अपने सिलेबस को जो है समझ लीजिए। बाकी कोर्स में जुड़ना है तो आप जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो कोई बहुत मतलब कि मालवीय एकेडमी चीज़ को लेके प्रमोशनल वीडियोज कभी लेक्चर यूट्यूब पर भी देखेंगे तो हम उसमें बहुत टारगेट जो है नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर भी आपको वीडियो अवेलेबल करा दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आपका परिणाम बेहतर हो, मन लगा के पढ़िए और बिल्कुल मत घबराना इस चीज़ से, सर मैंने अभी तक नहीं किया। कोई बात नहीं बाबू, अभी तक नहीं किया, अब करना शुरू कर दो। और ये सोचते रह जाओगे कि नहीं नहीं अभी नहीं किया, अब कब करें, अब कब करें, कभी नहीं कर पाओगे। तो अगर करना है तभी से शुरू कर दो, जैसे करना है फ्री तो मैंने अपने हिसाब से तैयारी करना है तो उस हिसाब से करो, कहीं से सपोर्ट लेके करना है तो उस हिसाब से करो, लेकिन जहां से भी करना है तैयारी शुरू कर दीजिए। ये अब आपके पास सोचने का वक्त नहीं है कि सर अब कब से करें, अंतिम आपके पास जो ये मौका है। और बाकी नहीं तो सोचते सोचते जो वह दिन बीत जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जैसे कई बच्चों के साथ है, सर मैं क्या अब से शुरू कर दूं तो मेरा हो जाएगा। चलो नहीं करोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो एक अंतिम मौका है आपके पास, तो अब से ही शुरू कर दो जो है, अब से शुरू कर दो, क्या पता हो ही जाए, वैसे भी तो नहीं होना है। तो एक बार अंतिम धक्का देते हैं, हो सकता है दीवार जो है वो गिर जाए। और इसलिए कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत जो है। अगर मन से आप जीत मान रहे हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बन के वही निकलता है। तो निकलने के लिए आप तैयार हैं तो फिर रातों से संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।